स्लाइड अप और स्लाइड डाउन, इसी तरीके से स्लाइड टॉगल, ये देखा पिछली बार। अब हम बात करते हैं फेड आउट की। फेड आउट क्या होता है? इट हाइड्स द एलिमेंट बाय चेंजिंग द ओपेसिटी। ओपेसिटी अभी आप देखेंगे कि कोई चीज जो दिखती है ना, उसका आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। यानी एक से सौ में अगर माने 30% ओपेसिटी, कितना ओपेक है, कितना दिख रहा है, कितना ट्रांसपेरेंट है, वो चीज की बात कर रहा हूं मैं आपको। अभी क्या है कि हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं और आपको फेड आउट इफेक्ट दिखाते हैं। तो इसको छोड़ दें और अब देखिए कि H1 पे क्लिक करते ही, यानी जो भी आपके पास HTML में H1 हेडिंग 1 में जो भी चीज होगी उस पर क्लिक करते ही फेड आउट इफेक्ट होगा, वो आप खुद अप्रिशिएट करेंगे। यहां पर स्लाइड टॉगल की जगह मैं करूंगा फेड आउट। ध्यान दीजिएगा, फेड आउट में ओ कैपिटल है, फेड आउट में OUT में आउट कैपिटल है। इसको आप रिलोड करिए और देखिए, इसको क्लिक करते ही ये फेड हो रहा है, देखिएगा। फिर से देखिए, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये फेड होगा, फेड, देखिए फेडिंग होगी, मतलब ये इसकी ओपेसिटी या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, ये चीजें वो एक्चुअली इफेक्ट में आ रहा है। आप और अगर चाहें तो यू कर सकते हैं, टाइम को चेंज कर सकते हैं, रीड, देखिए आप ये फेड हो गया। इसके बाद अब फेड आउट इफेक्ट है तो फेड इन भी होना चाहिए, इसको भी हम ट्राई करेंगे। फेड इन में आप आई कैपिटल एन फेड इन इफेक्ट करेंगे और फिर इसको रन कराएंगे अपने कोड को, रीलोड करिए, ये देखिए आप, इसमें फेड इन इससे नहीं हो रहा है क्योंकि हमें इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले H2 होना चाहिए तब तो वह फेड इन होगा। अब देखिए, ये देखिए आना शुरू हो गया, इट इज देयर एंड व्हेन वी क्लिक्ड, जब हमने इसे क्लिक किया तो ये फेड आउट इफेक्ट हुआ, मतलब ये फेड आउट का उल्टा, यानी फेड इन इफेक्ट हुआ। जैसे जूम इन जूम आउट जब बात करते हैं, जूम इन और जूम आउट दोनों नाम कुछ और होता है, लेकिन हम उसकी संज्ञा जो होती है जूम इन जूम आउट की, वो उल्टी लगती है। इसी तरीके से यहां पर भी आप जब इसको प्रेस कर रहे हैं तो इट इज एक्चुअली फेडिंग इन टू द यूजर, हमारी तरफ कर रहा है, इसीलिए कहते हैं इसको। तो फेड इन फेड आउट हो गया, अब फेडिंग फेड आउट है तो हमारे पास फेड टॉगल भी होगा, ये भी कर लेते हैं। अगेन टी कैपिटल टॉगल, इसको रन कराइए, यहां पर रिलोड कर दीजिए और ये देखिए आप जब क्लिक करेंगे आ जाएगा, क्लिक करेंगे चला जाएगा, क्लिक करेंगे आ जाएगा, क्लिक करेंगे चला जाएगा, यही टॉगल की बात होती है। अब इसके बाद एक और इफेक्ट है हमारे पास फेड टू। फेड टू, ये फेड टू इफेक्ट क्या करता है? इट चेंजेस द ओपेसिटी अंटिल द स्पेसिफाइड ओपेसिटी इज रीच्ड। ये तब तक ओपेसिटी चेंज करेगा, जैसे मैंने 1 से 100 तक आपको बताया था ना, मान लीजिए आपको 30% तक ले जाना है, 40% जाके ही रोक देना है, तो उसके लिए फेड टू इफेक्ट होता है। मान लीजिए कि हमने ये इसकी आवश्यकता नहीं है, अब H1 है, मतलब जो क्लिक मी कंटेंट है उस पर क्लिक करेंगे तो आप चाहते हैं कि H2 जो है वो फेड टू हो जाए, लेकिन किस लेवल तक फेड टू हो जाए? टी में टी कैपिटल है, टी ओ फेड टू, आप चाहते हैं कि 1 सेकंड में ये 40% हो जाए, 0.4 कर दीजिए इसको, 0.4 करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 40% के लिए मैंने 0.4 किया, क्योंकि 0 से 1 तक चलता है, मतलब 0 से 1 माने 0 इज बेसिकली 1 और जो 1 है वो 100 है, 100% है, तो इसलिए 0.4 लिखा हुआ है। तो लेस कराइए, इसे रन कराइए, अब देखिए केवल यहां आके रुक गया है, 40% पे आके रुक गया। अब मैं 80% कर देता हूं इसको, रिलोड करिए, देखिए 80 पे रुक गया जाके, यानी केवल 20% हुआ। ये चीज है आपकी फेड टू इफेक्ट। आप चाहते हैं कि थोड़ा डिले लाए, थोड़ा रुक के आए, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, वो है हमारे पास यहां पर डिले कर दीजिए, या कुछ कैपिटल स्मॉल नहीं है, सब स्मॉल में है, डिले कर दीजिए। आप चाहे तो 2000 कर लीजिए, कोई बात नहीं। और डॉट यहां पर
इस फेड टॉगल को हम डिले करेंगे, इस फेड टॉगल को हम डिले करेंगे फेड, क्योंकि हम बार बार लाना और ले जाना चाह रहे हैं। फेड टॉगल, और यहां पर आप कर सकते हैं 1000 मतलब 1 सेकंड, तो डिले होगा 2 सेकंड का और फेड टॉगल फेडिंग होगी आना जाना 1 सेकंड में। तो यहां पर लाए, इसको रन कराए और अब देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा यह फेडिंग इफेक्ट देखिए, ये क्योंकि टाइम ज्यादा दिया है इसे लग रहा है। क्लिक मी करेंगे तो ये अपना चला जाएगा, क्लिक मी करेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो फेड टॉगल भी हो रहा है, साथ में मैंने डिले दिया हुआ है 2 सेकंड का, देखिए अपने आप हो रहा है। अब मैं अगर इसको 1 कर दूंगा तो थोड़ा सा स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। देखिए यहां पर मैंने क्लिक में किया चला गया और क्लिक में किया ये अपना आ गया। तो ये बात हो गई आपके डिले की भी। अब फाइनली हम देख रहे हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन पास एज द सेकेंड आर्गूमेंट टू द इफेक्ट मेथड, यानी कि इफेक्ट मेथड का एज अ सेकेंड आर्गूमेंट उसको पास किया जाएगा और इट विल बी एग्जीक्यूटेड एट द कंप्लीशन ऑफ द इफेक्ट। एक बार जब पहला इफेक्ट हो गया तब दूसरा इफेक्ट होगा, यानी कि आप सीरीज ऑफ इफेक्ट करना चाहते हैं, इफेक्ट इफेक्ट हो उसके बाद दूसरा इफेक्ट हो, उसके लिए हम कॉल बैक फंक्शन यूज करेंगे। जैसे H1 हो गया, इसके क्लिक पे आप H2 को हाइड करना चाहते हैं, अब लेकिन हाइड तो करना चाहते हैं 1000 सेकंड में, और साथ में आप ये भी बोल रहे हैं कि मुझे अब एक और फंक्शन चाहिए। कौन सा फंक्शन चाहिए? ऐसा फंक्शन चाहिए कि जो देखिएगा आप, ऐसा फंक्शन चाहिए जो H3 को फेड आउट कर दे, H3 को फेड आउट कर दे। तो इसको हम लेते हैं H3 को ये फेड आउट करते हैं, फेड आउट, और ये 1000 सेकंड कर दीजिए, मतलब 1 सेकंड कर दीजिए, 1000 मिलीसेकंड है वो। तो ये चीज हम करना चाह रहे हैं, H1 पे जब क्लिक करे तो H2 हाइड हो जाए और उसके बाद H3 फेड आउट हो जाए। ये हमारा बेसिकली वी आर कॉलिंग अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। एक फंक्शन के कंप्लीशन के बाद आप दूसरा फंक्शन कॉल करना चाह रहे हैं, इसे ही हम अपना कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, यही हमारा कॉल बैक फंक्शन है। कंट्रोल S कर लीजिए और उसके बाद इसको रन करा लीजिए, और जैसे आप करेंगे ये देखिए आप, देखा आपने जब मैंने इसको क्लिक किया तो हेडिंग 2 गया, उसके बाद हेडिंग 3 अपने आप चला गया, फेड आउट हो गया ऑटोमेटिकली, इसे ही हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। तो ये बात हो गई आपके जे क्वेरी के इफेक्ट्स की। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।